दुनिया में कब आई पहली आइसक्रीम, कहां बनी थी पहली आइसक्रीम, क्या है आइसक्रीम का इतिहास। आइसक्रीम दुनिया के सबसे शानदार और स्वादिष्ट चीजों में से एक है। ज्यादातर लोग आइसक्रीम को गर्मी में ही ज्यादा खाते हैं, लेकिन आइसक्रीम के शौकीन लोग इसे ठंड में भी खाना पसंद करते हैं। अपनी लाइफ में हर शख्स ने आइसक्रीम तो जरूर खाई भी होगी, लेकिन आइसक्रीम को खाते समय कभी आपने सोचा है कि आखिर इसका इतिहास क्या है और पहली बार इसको किसने बनाया होगा। तो चलिए हम आपको अपनी इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर आइसक्रीम दुनिया में पहली बार कब और कहाँ बनी थी। तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि आखिर दुनिया में पहली बार आइसक्रीम बनी कहां थी और किसने इसे बनाया था। ईरान में बनी दुनिया की पहली आइसक्रीम। जी हां, माना जाता है कि दुनिया की पहली आइसक्रीम ईरान में बनी थी। खास बात तो यह है कि दुनिया की पहली आइसक्रीम उस समय बनी थी जब फ्रीज और बर्फ जमाने वाली मशीनों का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन ईरानियों का दावा है कि 2000 साल पहले से वो आइसक्रीम बना रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो ऐसा कर कैसे लेते थे। तो बताया जाता है कि नुकीली छत वाली इमारतों में सबसे पहले आइसक्रीम बनाई गई थी। शायद कोन वाली आइसक्रीम का आइडिया भी यहीं से आया था। दरअसल फारस के वाशिंदों ने आइसक्रीम बनाने का नायाब तरीका खोजा था। ईरान के रेगिस्तान यज्द इलाकों में ऐसी नुकीली छत वाली इमारतों के खंडर आज भी मौजूद है। इन्हें यखचल कहा जाता है। ऐसी इमारतों में गहराई में एक तहखाना होता है। ये तहखाना बर्फ जमाने के काम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। कहा तो ये भी जाता है कि ऐसे तहखाने ईसा से भी 400 साल पुराने हैं। इसका मतलब है कि ये 2400 साल पुराने हैं। इन तहखानों की खासियत ये थी कि ये रेगिस्तान में भी गर्म नहीं होते थे। ऐसे में यहाँ बर्फ जमा कर पूरे साल रखी भी जा सकती थी। कैसे बनती थी आइसक्रीम? ईरान में आइसक्रीम बनाने के लिए पहले एक बड़ा बर्तन लिया जाता था और फिर इसमें बर्फ डाली जाती थी। इसके बाद छोटे से बर्तन में दूध रखा जाता था। दूध को मथने के बाद उसमें बर्फ डालकर इसे जमाया जाता था। इस तरह से आइसक्रीम बनाई जाती थी, लेकिन ये प्रक्रिया काफी लंबी थी। ईरानी तरीके को अपना कर इटली में इसका बिजनेस शुरू हुआ। इसी वजह से कई लोगों को लगता है कि दुनिया में सबसे पहले आइसक्रीम इटली में ही बनाई गई थी। कहां से आया फालूदा? कुल्फी के साथ फालूदा आपने कई बार खाया होगा। वो नूडल्स जैसे पतली लेकिन ठंडी सी चीज है। ये फालूदा ईरान से ही आया है। इसका नाम भी फारसी ही है जो हम हिंदुस्तानियों ने अपना लिया। ईरान के लोग इसी फालूदा को 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी आइसक्रीम कहते हैं। लेकिन समय के साथ साथ आइसक्रीम को बनाने का भी तरीका बदल गया है और ईरान में आज मशीनों से आइसक्रीम बनाई जाती है। आमतौर पर इसमें भेड़ का दूध इस्तेमाल होता है। इसमें चीनी, केसर और गुलाब जल मिलाया भी जाता है। इस हान के स्थानीय दुकानदार कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के लोग मोटापा बढ़ाने वाली मीठी आइसक्रीम पसंद करते हैं, जबकि यूरोप के रहने वाले कम फैट और चीनी वाली आइसक्रीम के मुरीद हैं। उम्मीद है आपको अब पता ही चल गया होगा कि आखिर दुनिया में पहली बार आइसक्रीम कब और कहां आई थी। ऐसे ऐतिहासिक और रोमांचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।